आप देख रहे हैं ड्योड़ा ज्योतराम भगवान जी का जो दरबार है, जो धाम है, वहाँ पे आजाद गुरु जी के जो गुरु हैं सत्यवान शोरण जी वो पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े खुशियों के साथ जोर शोर से स्वागत, फूल मालाओं के साथ, गुलदस्ते के साथ। और आप देख रहे हैं आरती उतारे जा रहे गुरु जी के, पहले आरती उतारी गई है, फिर मालाएं डाली गई, गुलदस्ते दिए गए। देख रहे हैं आप तस्वीरों में सत्यवान शोरण जी जीतपुरा धाम से जो आजाद भगत जी के जो गुरु जी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखते रहे, हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। आज यहाँ दिन में रक्तदान शिविर भी लगा था, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार जी HCS जींद से वो भी पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर रक्तदान भी दिया था। और वशिष्ठ अतिथि के तौर पे कुलदीप हिंदू धर्म रक्षा सभा से कुलदीप आर्या जी वो भी पहुँचे थे। और वशिष्ठ अतिथि के तौर पे नगूरा चौक के इंचार्ज चंद्रपाल जी वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी रक्त दिया था। और उसके बाद सुभाष ढिहाणा जी, राजेश जी, अशोक जी, सभी साथी यहाँ पे पहुँचे थे। और जो गणमान्य व्यक्ति वो सब यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने रक्तदान भी दिया। और अब यहाँ रात को भंडारा भी है, जागरण भी है। और आप देख रहे हैं जागरण में ज्योति प्रज्वलित करने के लिए जो गुरुजी सत्यवान शोरण जी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं पूरा जो दरबार है खचा खच श्रद्धालुओं के साथ भरा हुआ है। ये देखो गुरुजी हैं और अंदर की तरफ आते हुए आप देख रहे हैं ड्योड़ा धाम की जो तस्वीरें हैं, पूरा का पूरा दरबार खच्चा खच भरा हुआ है। और अब गुरुजी सीधे जो ढोड़ा धाम का जो ज्योतराम जी का मंदिर है उसके अंदर पहुंचे हैं। पहले यहां पे माथा टेकेंगे, नतमस्तक करेंगे, उसके बाद फिर ज्योत प्रज्वलित करेंगे। और जो ज्योत है वो साथ में उठाए हुए हैं, इनके साथ हैं जसमेर जी हैं और आज़ाद भगत जी का जो परिवार है वो भी साथ में है। सारा का सारा दरबार में Oh,
मिलना।